अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर कीमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल ले लेना है 1/4 कप। इसी के साथ हमने एक बड़े साइज की प्याज को चॉप कर लेना है और ये हमें हल्की सी लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब ये थोड़ी सी लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है, तो इस स्टेज पे हमने ये साबुत गरम मसाले डाल देने हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 7 से 8 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 ये जो है बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून साबुत जीरा है और 2 लौंगे। तो ये मैंने साबुत गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम तो इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे कि गरम मसाले की खुशबू ऑयल में आ जाए। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन, 1 टेबलस्पून भर के ही अदरक ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक और प्याज की जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमने इसमें ये कीमा ऐड करना है। ये कीमा मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं, और ये मैंने 1/2 kg कीमा लिया है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। अब हमने इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें मसाले जाएंगे 1 टीस्पून भर के सफेद जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, ये मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, और आपके टेस्ट के हिसाब से ही नमक ऐड करेंगे। फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हमने ये 1/4 टीस्पून के बराबर हमने ये पिसी भी काली मिर्च लेनी है, ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा जी, तो अब हमने इसमें ऐड करना है ये टमाटर है। ये मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर थे और मैंने इसका छिलका उतार के इसको ब्लेंड कर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमको इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अब हमने इसको ढक के कीमे की भुनाई तक इसको पकने देना है कि जब कीमा ड्राई हो जाएगा और ये भुनाई पर आ जाएगा तब तक हमने इसको अच्छे से पकाना है। तो अब ये कीमे को पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है, अब हम इसे चेक करते हैं। देखें ये बिल्कुल भुनाई पर आ गया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसकी आंच को फुल करके हम थोड़ी सी इसकी अच्छी सी और भी भुनाई कर लेंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है ये मटर है, ये मैंने छील के रख लिया था, ये 1/2 kg मटर है और इसके साथ ही मैंने ये 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसके साथ। मटर के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे।
अब हमने इसके अंदर हाफ ग्लास पानी, आधा ग्लास पानी ऐड कर देना है ताकि ये मटर अच्छे से गल जाए। ठीक है, चले अब हम इसे फिर ढक देंगे। जब तक ये मटर नहीं गल जाते तब तक हम इसे ढक के पकाएंगे। अब ये मटर डाल के भी हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। ये बिल्कुल इसका ऑयल भी ऊपर आ गया, मटर भी गल गए हैं। अब हम इस टाइम पे डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और अब ये रेडी है, हम इसे सर्व करेंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। और इसी के साथ हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करनी है। अब ये रेडी है और हम इसको सर्व करेंगे।